ठीक है, आज हम बात करेंगे हमारे आइलैंड पे लोकेशन और बाकी एप्लीकेशन को ऑन करने में जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको कैसे ठीक करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आइलैंड एप्लीकेशन का जो आइकन है उसको आप प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे, आपको ऑप्शन दिखेंगे, उसमें एक ऑप्शन दिखेगा आपको ऐप इन्फो का। ठीक है, ऐप इन्फो पर क्लिक करना है। ऐप इन्फो पर क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज का। ठीक है, इस स्टोरेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो स्टोरेज पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कैच दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे क्लियर डेटा या क्लियर कैच और क्लियर डेटा अलग अलग दिख सकता है, आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक करना है। क्लियर डेटा पे क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, क्लियर कैच, क्लियर ऑल डेटा। पहले क्लियर कैच करें, देन उसके बाद आप क्लियर ऑल डेटा करें। ठीक है, ऐसा करने के बाद यहाँ से फिर बैक हो जाना है आपको, और उसके बाद नेक्स्ट आपको ऐप परमिशन में जाना है। ऐप परमिशन में क्लिक करते ही पहले आपको दिखेगा यहाँ पे अलाउड और नॉट अलाउड। अलाउड में आपको एक भी परमिशन अलाउड नहीं है, हमें ये सारी परमिशंस नीचे जो नॉट अलाउड है इनको अलाउ करना है। कैमरे की परमिशन, इसको आपको अलाउ कर देना है। देन उसके बाद ये अलाउड में आ गया। फाइल की, मीडिया की लोकेशन, ये आपको अलाउ करना है। ठीक है, उसी तरह फ़ोन अलाउ करना है। उसके बाद लोकेशन आप अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद एक ऑप्शन नीचे आपको दिख रहा है, यूज़ प्रिसाइज लोकेशन। प्रिसाइज लोकेशन का ये आपको इसको यहाँ पे ऑन करना है, ये ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में सेटिंग में यहाँ पे अलाउ ओनली वाइल यूजिंग दी ऐप लोकेशन परमिशन में आपको अगर ये ऑप्शन प्रिसाइज का दिख रहा है तो इसको आपको 100% ऑन करके रखना है। ये करने के बाद अब आप अपने आइलैंड ऐप को जैसे नॉर्मल तरीके से आप एक्सेस करते हैं, ठीक है, एमएस पिन वगैरह डाल के और ओटीपी करके, वैसे आप उसको फर्दर करेंगे।